स्वामी विवेकानंद। एक नाम, एक व्यक्तित्व, एक विचार नहीं, एक बुनियाद है। ऐसी बुनियाद जिस पर भारत का विराट सांस्कृतिक महल खड़ा है। स्वामी विवेकानंद प्रतीक हैं उस महान भारतीय संस्कृति के, जिन्हें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के इस कथन से अच्छे से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पूरी तरह पढ़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि मन में उभरती है, जो सच्चे राष्ट्रभक्त होने के साथ ज्ञान के अथाह भंडार है, जिनके विचारों को आदर्श मानकर भारत ही नहीं विश्व के युवा प्रेरित होते हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के प्रति उनका गर्व और आदर अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को उनके द्वारा दिए गए संभाषण से जाहिर होता है। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। वेदांत दर्शन, गीता और योग समेत भारतीय संस्कृति के अहम मूल्यों के वैश्विक उद्घोषक स्वामी विवेकानंद की सोच और उनका दर्शन विश्व बंधुत्व की भावना से भरा हुआ था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां बड़े से बड़ा सत्य सामने आ सके। दरअसल विवेकानंद के लिए सच ही उनका देवता था और वो पूरी दुनिया को अपना देश मानते थे। आधुनिक भारत को प्रबल रूप से प्रभावित करते हुए स्वामी विवेकानंद का सन्यास से पहले नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी शिव भक्त थीं। 18 वर्ष की आयु में कॉलेज में पढ़ते समय ज्ञान और सत्य की खोज उन्हें महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले आई और परमहंस ही वो सच्चे गुरु सिद्ध हुए, जिनका सानिध्य और आशीर्वाद पाकर वो संपूर्ण विश्व के स्वामी विवेकानंद के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर पाए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने 16 अगस्त 1886 को अपनी आयु के 50वें वर्ष में देह त्याग कर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस की 16 सन्यासी शिष्यों में विवेकानंद के साथ ब्रह्मानंद, योगानंद, प्रेमानंद, निरंजनानंद, शिवानंद, सारदानंद, रामकृष्णानंद, अभेदानंद, अद्भुतानंद, तुरियानंद, अद्वैतानंद, त्रिगुणातीतानंद, सुबोधानंद, अखंडानंद और विज्ञानानंद शामिल थे। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्म, धर्म, वैश्विक मूल्यों, चरित्र निर्माण, शिक्षा और समाज को बहुत विस्तृत और गहरे आयामों से विश्लेषित किया है। उनका मानना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वो देश किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का विश्वास, उनका साहस और उनका विवेक हमें युगों युगों तक सदा प्रेरित करता रहेगा।